Hello guys, this is lecture 4 of Intergovernmental Organization series and today's topic is Shanghai Cooperation Organization. Aaj ka topic hai Shanghai Cooperation Organization. To chaliye shuru karte hain. So guys, lecture shuru karne se pehle please subscribe kijiye channel ko, bell notification dabaiye taki jitne bhi naye uploads ho aapko uska timely update mil jaye. Now let's start SCO. Shanghai Cooperation Organization SCO is a Eurasian political, economic and security alliance. तो अगर examination पे आप पे question आएगा, what kind of alliance SCO is? तो SCO is a political, economic and security alliance. Now यहाँ पर एक term है Eurasian. Eurasians mean कि इसमें Europe और Asia दोनों की countries है. वैसे तो Russia का 70% part जो है वो Asia में ही है. More than 70% Asia में है. But फिर भी इसे एक यूरोपियन कंट्री कंसिडर किया जाता है. नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इज मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स. इट इज प्राइमली सेंटर्ड ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स ऑफ सेंट्रल एशियन मेंबर्स विद मेन थ्रेट बीइंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. एससीओ वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001 इन शंघाई चाइना बाय द लीडर ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. बट द ओरिजिनल फाइव नेशन, इसमें से अगर उज्बेकिस्तान को हटा दिया जाए तो प्रीवियसली ये सारे के सारे जो नेशंस थी इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था शंघाई फाइव ग्रुप, जो 1996 में बनाया गया था. उसके बाद 2001 में जब मीटिंग हुई उसमें उज्बेकिस्तान को ऐड कर लिया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के नाम से जाने जाने लगी. हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ इज इन बीजिंग. तो एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है चाइना का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल है. इसे नाटो की एक काउंटर ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है. काउंटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाटो, या इसे एशियन नाटो भी कहा जाता है, एशियन नाटो. अब इंडिया की एससीओ में जर्नी पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं. इंडिया अटेंडेड एससीओ समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005 इन अस्ताना, कजाकिस्तान. ऑल्सो ये फिफ्थ समिट भी थी एससीओ की. इन 2015 इन उफा, जो कि रशिया में है, इन उफा समिट एससीओ डिसाइडेड टू एडमिट इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ फुल मेंबर. इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन एससीओ एज फुल मेंबर ऑन 9 जून 2017 एट अ समिट इन अस्ताना, कजाकिस्तान. अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना जो है वो इंडिया को एससीओ में इंक्लूड नहीं करवाना चाह रहा था. बट आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ रशिया, चाइना को इंडिया को एससीओ में इंक्लूड करवाना पड़ा. बट उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को एससीओ में इंक्लूड करवाया. उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ही पाकिस्तान का इंक्लूजन एससीओ में हुआ. अब चाइना जो है वो बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है, तो इसका सेंट्रल एशियन कंट्रियों में बहुत ही तेजी से दबदबा बढ़ता जा रहा है. तो उसी को देखते हुए रशिया ने इंडिया का इंक्लूजन एससीओ में करवाया ताकि एक बैलेंस बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में. अब सिंस एससीओ की फॉर्मेशन से ये पहली एक्सपेंशन थी एससीओ की जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का इंक्लूजन हुआ. फर्स्ट एक्सपेंशन थी एससीओ की, फर्स्ट एक्सपेंशन. और इसके लिए इंडिया को 38 एग्रीमेंट, इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही 38 एग्रीमेंट में साइन करना पड़ा टू फुलफिल एससीओ नॉर्म्स. द एक्सपेंशन ऑफ एससीओ लास्ट ईयर टू इंक्लूड इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ मेक्स दिस अ पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिक रीजनल ग्रुप अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 20% ऑफ इट्स GDP एंड 22% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास. ऑब्वियसली 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये लीडिंग नेशन है पॉपुलेशन में अभी वर्ल्ड में. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% पार्ट एससीओ कवर कर रहा है इस वक्त. अगर GDP के हिसाब से देखा जाए तो अगर चाइना की बात करें और इंडिया की बात करें तो ये GDP में एक लीडिंग नेशन है इसमें वर्ल्ड में, जिनका GDP हायर साइड में रहता है. और लैंडमार्क की बात करा जाए तो चाइना, इंडिया और रशिया ये भी वर्ल्ड के लीडिंग लैंडमार्क वाले एरिया हैं. अब एससीओ उसकी मेंबर कंट्री, ऑब्जर्वर कंट्री और डायलॉग पार्टनर को थोड़ा देख लिया जाए. उसकी मेंबर कंट्री में जैसे कि आपको पता ही है उसमें चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान है. इसमें से ये जो शुरुआत की फाइव कंट्रीज है, ये जो ओरिजिनल ग्रुपिंग थी 1996 में जो बनी थी, जो शंघाई फाइव के नाम से भी जानी जाती है,
उसका पार्ट थी। उसके बाद जब उज़्बेकिस्तान का एडिशन हुआ तब ये एससीओ कहलाई 2001 में। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान एससीओ का पहला एक्सपेंशन है, फर्स्ट एक्सपेंशन। अब अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है एससीओ में। उसके अलावा एससीओ के डायलॉग पार्टनर भी हैं, जो हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कैम्बोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। नाउ देयर आर फोर मेन फंक्शन ऑफ एससीओ, जिसमें से पहला है कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी। तो कॉपरेशन सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली एससीओ के अगर प्रोस्पेक्ट में समझा जाए तो दिस इज टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। टेरर, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इसके लिए आरएटीएस का गठन किया गया है। आरएटीएस विच इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका बेसिकली काम होता है टू फाइट क्रॉस बॉर्डर ड्रग क्राइम। जो दूसरा मेन फंक्शन है एससीओ का वो है मिलिट्री कॉपरेशन, और इसका मेन उद्देश्य है कि टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इसके लिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस टाइम टाइम पे की जाती हैं। द नेक्स्ट मेन पर्पस इज इकोनॉमिक। जैसा कि मैंने बोला ही था आपको कि ये इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल इस तरीके का ब्लॉक है, तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका अगला पर्पस है। ये मेनली ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को कवर करता है। वैसे तो और भी प्रोस्पेक्ट्स हैं एससीओ में, बट द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू हाइड्रोकार्बन रिसर्च एंड ज्वाइंट यूज ऑफ वाटर रिजर्व्स इज मेनली कम्स अंडर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एंड द फाइनल वन इज द कल्चर कॉर्पोरेशन, कि एससीओ मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कल्चर कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देंगी। नाउ द की गोल्स ऑफ एससीओ आर स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस, प्रमोटिंग इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ट्रेड, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब एससीओ मेंबर कंट्रीज को अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये वर्ल्ड मैप है, ये यूरेशियन पार्ट है, इसमें रशिया यूरोपियन कंट्री है, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री है, इंडिया साउथ एशियन कंट्री है। ये रशिया है, ये चाइना है, इधर ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, इसके बगल में ये उज़्बेकिस्तान है, इधर इंडिया और ये पाकिस्तान। आइए इनको और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। ये चाइना है, ये रशिया, ये कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, ये इंडिया और ये पाकिस्तान, ये एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं। दिस ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज टू मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दो मेंबर्स एससीओ में हैं, जो कि चाइना एंड रशिया हैं। ऑल्सो इंडिया एंड पाकिस्तान के इंक्लूजन के बाद इस पे जो एक सेंट्रल एशिया का टैग था वो हट गया है, और इसकी रीच अब सेंट्रल एशिया से बाहर जाने लगी है। तो वर्ल्ड लेवल पॉलिटिक्स में एससीओ के डिसीजंस इफेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए जो वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और लीडिंग और पावरफुल नेशंस हैं वो एससीओ के जो डिसीजंस हैं उन पर नज़र तो रखे ही हुए हैं। सेकेंड पार्ट, सेंट्रल एशिया एंड रशिया हैव सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल, हैंस दिस ग्रुपिंग हैज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। थर्ड, इन फ्यूचर एससीओ कुड कम्पीट विद यूएनओ इफ इनफ एशियन नेशन ज्वाइन इट एंड कर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न पावर एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो वो वेस्टर्न डोमिनेटेड ज़्यादा है, एशिया वर्ल्ड का इतना लार्जर पार्ट ऑक्यूपाई करता है, बट एशियन जो डोमिनेंस है वो यूनाइटेड नेशन में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है वो या तो यूरोपियन नेशन का है प्लस अमेरिकन नेशंस। तो एससीओ कुड कम्पीट विद यूएनओ इफ इनफ एशियन नेशन ज्वाइन इट। जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो ज्वाइन कर ही चुकी हैं, पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है, ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है, और भी कंट्रीज हैं एशियन कंट्रीज जो एससीओ की मेंबरशिप हासिल करना चाहती है। तो इससे एससीओ कैन कम्पीट विद यूएनओ। नाउ एससीओ कैन बिकम अ माइलस्टोन इन डेवलपमेंट, ऑब्वियसली
of Central Asia in future. Initially, SCO was all about Central Asian republics and their two giant neighbors, Russia and China. But now, with India and Pakistan joining SCO and Iran as a possible member, SCO has expanded beyond Central Asia and may play an important role. The SCO could emerge as the Asian NATO. अब SCO में हो रही कुछ recent development में नजर डालते हैं. The Shanghai Cooperation Organization member states will hold a joint anti-terrorism exercise, Sari Arka Anti-Terror 2019. तो SCO के member state एक joint anti-terrorism exercise hold करेंगे, जिसका नाम होगा सर्रे एरका एंटी टेरर 2019. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. द डिसीजन टू होल्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 34th मीटिंग ऑफ आरएटीएस काउंसिल हेल्ड इन ताशकंद. आरएटीएस का हेडक्वार्टर भी ताशकंद में ही है. द डेलीगेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड आरएटीएस एग्जीक्यूटिव कमेटी अटेंडेड द मीटिंग. This meeting was chaired by Russia. The meeting also declared plans to hold the first stage of the joint border operation Solidarity 2019-2021. ये भी बहुत important है. ये meeting जो रशिया ने chaired करी थी, इसने plan आगे बताए हैं कि first stage एक joint border operation hold किया जाएगा, जिसका नाम होगा Solidarity. अब RATS के बारे में कुछ जानते हैं. Regional Anti-Terrorist Structure. It is a permanent organ of SCO which serves to promote cooperation of member state against the three evils of terrorism, separatism and extremism. Iska headquarter kahan hai? Tashkent mein hai. Its head is elected to 3-year term. Each member of SCO sends permanent representative to RATS. Now question number 1. Which one of the following is not a member of Shanghai Cooperation Organization? Yeah, yes, 2007 ka question hai. Russia is the member. Kazakhstan is the member, Ukraine is not the member, Uzbekistan is the member. तो question पूछा गया है not a member, तो Ukraine is the correct answer. Option C. Question number 2. Which among the following countries attended as observer the Shanghai Cooperation Organization Summit held on June 2009? June 2009 में India भी observer था, Pakistan भी observer था, Iran तो observer था ही. India and Pakistan अब member countries बन चुके हैं, तब observer थे. तो अकॉर्डिंग टू जून 2009 जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब ऑप्शन डी करेक्ट था, बट आज के प्रोस्पेक्ट में सिर्फ फोर्थ कंट्री जो कि ईरान है वही करेक्ट है. तो ऑप्शन में कहीं पर अगर फोर आएगा तो वो करेक्ट ऑप्शन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, चाइना हैज द ऑब्जर्वर स्टेटस एट द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे सार्क भी कहते हैं. Second, India has the observer status at Shanghai Cooperation Organization SCO. Which of the statement given above are correct? ये IAS 2007 का question है. उस वक्त India को observer status मिला हुआ था SCO में. So, आज की condition के हिसाब से this one is correct. And उस वक्त की condition के हिसाब से option C correct रहा होगा. सो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में लेक्चर चाहिए. प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को. थैंक यू फ्रेंड्स.